हमारे लेवल पे तो हम जितनी भी सोशल साइट्स जो हमारे पास है, डिजिटल मीडियम है, उससे हम जितना हो सके हम उतना फैलाएंगे। बाकी आगे इस चीज़ को कैसे डॉक्टर ज़ारा खुद डिज़ाइन करती है पहुँचाने के लिए, उसके लिए वी ऑल आर रेडी। हम जितना हो सके उतना हम करने के लिए तैयार बिल्कुल। आई थिंक CSR बहुत ज़रूरी है इसमें, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर कंपनीज में उनके कोटाज होते हैं, तो आई थिंक ये उसके ज़रिए भी काफ़ी कुछ हो सकता है। उनके टेलीविजन स्लॉट्स होते हैं, दे स्पॉन्सरिंग टेलीविजन शोज, तो हर एक शो को स्पॉन्सर जो करते हैं उसके पहले एक 20 सेकेंड का एक अवेयरनेस कैंपेन हो सकता है। क्योंकि जैसे स्वच्छ भारत मिशन को हम चला रहे हैं, वैसे ही स्वस्थ भारत मिशन को भी चलाना बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। यू नो तुम पॉलिटिक्स में जाओ तो स्वस्थ भारत। ये कितना महंगा होगा, कितना सस्ता होगा काम इंसान के इकोनॉमी के लिए? अभी तो इट्स अभी बहुत जल्दी है। नहीं अभी तो मतलब 2 वीक और बाकी है। आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट। मैं तो चाहती हूँ कि 200-300 रुपए में अवेलेबल हो, लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ ये, आई डोंट हैव एनी इन्वेस्टर, आई डोंट हैव एनी गवर्नमेंट हेल्प, तो अभी 700 और 1000 के बीच में हो सकता है। बट आई एम ट्राइंग टू हैव द गवर्नमेंट एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट। माई फोल्डर इज़ बीन लाइंग देयर सिंस 3 ईयर्स, तो अगर वहाँ कुछ होता है तो डेफिनेटली द कॉस्ट विल कम डाउन। एंड इफ देर आर सम अदर इन्वेस्टर्स कमिंग इन, तो 3 साल से फोल्डर रखा हुआ है जी। ये देखिए, ये एक चीज है, ये एड्स का एपिडेमिक जो हुआ था, तो एक पर्टिकुलर मेडिकल मेडिसिन थी जो अमेरिका में मिलती थी फॉर HIV पॉजिटिव पीपल, वो कुछ $1,500 पर मंथ उसका खर्चा था। उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, क्या फायर इन द ब्लड, एंड सिप्ला हमारे हिंदुस्तान की एक कंपनी है, उन्होंने उसी ड्रग को ₹70 में बना कर दिया, $70 कि उसको लेके $50 के, बस $1,500 का और 50, बिकॉज उसने कहा कि बन सकती है, मैं तो प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ये जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है और ये जो बाकी टैक्सेशन के एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह से इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जो मेडिकल जो मेडिसिन जो 70 में बन सकती है वो $1,500 में बिकी जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें मिले, सब्सिडाइजेशन हो, ताकि ये एक्सेसिबल हो और सस्ता, जो आपने कहा है कि एक आम आदमी गरीब आदमी उसको यूज़ कर सकता है। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। I'm really proud of my sister. I know that she's been working very hard for the last 11 to 12 years. And I'm so happy that she selected a day, which is my mother's first death anniversary, to launch this. And we very strongly believe, everybody in the family, all those who are in the medical field, that we need to serve humanity. And I always tell the verse which is in Quran, in Surah Maida, which says, if you heal one of my human being, you have healed my mankind. So we are very grateful to our parents. They made most of us come in the healing profession. And I hope, again, healing a cancer is going to be a big thing. And she will definitely prevent, as she said, every 7 to 8 minutes, one person dies of lung cancer, and we want to prevent that. You have got friendly relation with the cricketers, to Bollywood stars, to you know politicians. So, do you want anybody to endorse this kind of initiative? See, in the short time, whatever, I just called up my friends, and they all were here. Definitely to promote it more. Once she gets the grip of it, I'll definitely talk to most of them to be involved with it. Thank you.